हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेजर। द क्वेश्चन इज फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉपिक मैंने लिया है काउंटर। और यहाँ पे काउंटर में हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया है यहाँ पे काउंटर को बिल्ड करने के लिए। और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इनिशियल वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 इज 0, 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 व्हेन द क्लॉक पल्सेस विल बी अप्लाइड। मतलब इनिशियल वैल्यू जो है वो जब कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया तो आउटपुट जो आ रही है Q1 एंड Q2 की वो क्या आ रही है, 0 एंड 0। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ गाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बहुत बार आपको गेट के एग्जाम में मिलेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल और रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। और पर्सनली मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद है क्योंकि इनमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी, बस आपको जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑल दो वो भी बहुत बड़ी डील नहीं है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। आप एक दो अगर आपको पॉइंट्स याद हैं तो आप उसको भी डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें तो डायग्राम देख के कई बार स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि ओके इसको कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा वे है। कई बार क्या होता है कि गेट में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, इसमें से इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एक दो टॉपिक ऐसे हैं या एक दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि कई बार हम डायग्राम को देख के या इक्वेशन को देख के हम घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी इक्वेशन है, इतना बड़ा डायग्राम है, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है, उसके बाद आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनपुट जेके की, जो इस विन J1 और K1 की इनपुट कहाँ से आ रही है, Q2 बार से जो है वो इनपुट जा रही है। तो आप एक टेबल बना लो इस तरीके से जहां पे क्लॉक इनपुट्स लिख लो और यहां पे आउटपुट लिख लो। तो इनपुट में अगर हम बात करें J1 और K1 में जो इनपुट कहां से आ रही है, Q2 के बार से, तो आप इसको डायरेक्टली लिख लो। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी Q2 की इनिशियल वैल्यू पता है तो हम उस वैल्यू को यहां पे यूज कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें J2 और K2 में, तो देखो K2 में वैल्यू क्या आ रही है, ऑलवेज 1, इसको तो हमने ऑलवेज सेट पे लगा रखा है, 1 पे लगा रखा है। एंड J2 में देखो वैल्यू कहां से आ रही है, Q1 बार से। Q1 की जो बार होगी वैल्यू, Q1 की जो वैल्यू हमने बार किया है वो वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, एज ए इनपुट जा रही है। नाउ क्वेश्चन इज वेरी इजी, क्योंकि अब तो बस आपको ट्रुथ टेबल को यूज करके इसको सॉल्व करना है। और ये सिंक्रोनस काउंटर है, मतलब एक बार में क्लॉक पल्स हम अप्लाई करेंगे और दोनों फ्लिप फ्लॉप यहां पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लॉक 1 की, जैसे ही मैंने क्लॉक पल्स, पॉजिटिव क्लॉक पल्स यहां पे लगाई तो दोनों फ्लिप फ्लॉप वर्क करेंगे। तो J1 और K1 में वैल्यू क्या आ जाएगी, तो पुरानी वैल्यू Q2 की क्या थी, 0। तो Q2 का उल्टा यहां पे, Q2 को अगर हम नेगेट करें तो क्या बन जाएगा, 1 1, नॉट लगा दिया हमने, तो ये वैल्यू क्या बन गई Q2 की, 1 और 1। मतलब दोनों जगह में क्या जा रही है, 1 यहां पे, 1 यहां पे। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल क्या है, 0 0 पे नो चेंज, 0 1 पे ये वैल्यू देता है 0, 1 0 पे वैल्यू देता है 1, एंड 1 1 पे वैल्यू देता है ये टोगल। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ जेके। तो 1 1 पे क्या देता है, टोगल। टोगल का मतलब है जो प्रीवियस वैल्यू है, प्रीवियस जो आउटपुट थी उसकी उल्टा वैल्यू, मतलब उससे आप वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो यहां पे प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 0, Q1 की वैल्यू थी, क्योंकि जे और के क्या आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, Q1। Q2 को मत चेंज कर देना, क्योंकि Q2 तो इनपुट में जा रही है, वो अलग चीज है। इनपुट में जो वैल्यू जा रही है वो तो आ गई, वो क्या थी, 1 1। 1 1 का मतलब है टॉगल, मतलब Q1 की जो पुरानी वैल्यू थी उसको टॉगल कर दो। तो Q1 की पुरानी वैल्यू थी 0, इसको टॉगल कर दिया, इसका उल्टा क्या है, 1। तो जो भी वैल्यू यहां पे प्रीवियस थी उसका टॉगल कर दो कॉम्प्लीमेंट। देन अगर हम बात करें J2 और K2 की, तो Q1 बार, J2 में इनपुट क्या है, Q1 बार। Q1 क्या था पहले, 0, ये पहले की बात कर रहे हैं हम। तो Q1 क्या था, 0, तो 0 का उल्टा क्या है यहां पे, 1। और K2 क्या है, ऑलरेडी ये तो सेट पे है, मतलब 1 पे है, तो 1 1 अगेन टॉगल। टॉगल का मतलब है जो Q2 की प्रीवियस वैल्यू थी उसका हमने क्या कर देना है, कॉम्प्लीमेंट, टॉगल कर दिया। सो दिस इज व्हाट, 1। तो इस तरीके से बस आपको अप्लाई करना है। नाउ क्लॉक पल्स 2, जैसे ही हमने क्लॉक पल्स 2 अप्लाई किया, अब होगा क्या, यहां पे Q2
वन ऑलरेडी आ चुका है, तो Q2 का बार क्या है? जीरो। तो जीरो जो है वो ऑलरेडी यहां पे इंसर्ट होने के लिए तैयार है, जीरो जीरो यहां पे आ चुका है। जैसे ही हमने क्लॉक पल्स अप्लाई किया, जीरो जीरो जाएगा, और जीरो जीरो का मतलब है यहां पे नो चेंज। जीरो जीरो में कुछ नहीं करता, मतलब जो प्रीवियस थी उसी को एज इट इज। तो प्रीवियस क्या थी? Q1 वन, तो इसको वन एज इट इज कॉपी कर देगा, बस सिंपली इसको कॉपी कर देना, नो चेंज। देन J2 और K2 की बात करें तो J2 में Q1 क्या था पहले? Q1 था 1, तो उसका बार क्या है यहां पे? 0। ये देखो Q1 ने पहले आउटपुट क्या जनरेट की थी? 1, तो उसका बार हमने किया वो क्या आ गई? 0। और K2 को तो हमने 1 पे सेट ऑलरेडी कर ही रखा है, तो 0-1 के केस में क्या आउटपुट देता है? 0। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व, वन बाय वन बस इसको करते जाओ। देन क्लॉक पल्स 3 अप्लाई किया हमने, जब क्लॉक पल्स 3 अप्लाई किया तो यहां पे Q2 क्या है? 0। तो 0 का उल्टा क्या है? 0 का नेगेट किया तो वो क्या आ गया? 1। तो 1 जो है वो ऑलरेडी यहां पे रेडी है इंसर्ट होने के लिए, लेकिन जैसे ही हमने क्लॉक पल्स चलाएंगे तब वो इंसर्ट होगा, तो 1-1 यहां पे ऑलरेडी इंसर्ट हो गया। तो 1-1 इनपुट गई, तो क्या होगा? अगेन टॉगल। टॉगल का मतलब है पुरानी वैल्यू क्या थी? 1, उसका हमने टॉगल कर देना है, क्या हो जाएगी? 0। बस देन J2 की बात करें तो प्रीवियस आउटपुट क्या थी आपकी? J2 में क्या जा रहा है? Q1 का बार। तो Q1 क्या था पहले? 1, पहले वाला उठाना, ये तो अभी आई है 1 का उल्टा 0। और K2 की वैल्यू ऑलरेडी क्या है? 1। तो 0-1 के केस में क्या आती है वैल्यू? अगेन 0, रीसेट, दैट इज व्हाट, 0। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट क्लॉक पल्स 4 की, तो फोर्थ क्लॉक पल्स में होगा क्या? वैसे तो अभी ट्रेंड थोड़ा थोड़ा बन रहा है, 0-0 के बाद 1-1 आया, 1-0 के बाद 1-1 के बाद 1-0 आया, फिर अगेन 0-0 आया। तो एक बार फिर अगर हम ट्राई करें तो 0-0 के बाद यहां पे दोबारा फिर ये 1-1-1-1 बनेगा, और ये फिर दोबारा 1-1, क्योंकि ये रिपीट हो रही है वैल्यू। तो यहां पे अगर हम आउटपुट की बात करें तो हमारे पास पहले थी इनिशियल 0-0। बस इस तरीके ध्यान रखना गाइस कि हमें आंसर में भी Q1 Q2 पूछा हुआ है। कई बार क्या होता है, सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं लेकिन लास्ट में गलती हो जाती है, वैल्यू ऑफ Q2 Q1 अगर दे दिया तो बस ध्यान रखना कि आपने उल्टा इसको प्रिंट करके देखना है। बस ये बहुत ही कई मेजर इशू है डिजिटल में, बहुत बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जो पैटर्न आउटपुट का पूछा है वो भी Q1 Q2 ही है, कई बार पैटर्न उल्टा पूछ लेते हैं, तो बस आप उल्टा इसको प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे Q1 Q2 ही है और हमने भी Q1 Q2 ही बनाया, तो 0-0 के बाद क्या बना? 1-1, 1-1 के बाद बना 1-0, 1-0 के बाद बना 0-0, क्योंकि 0-0 के बाद तो फिर दोबारा यहां पे 1-1 ही आ गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूफ। तो यहां पे अगर हम बात करें तो मेरे पास कितने यहां पे मैंने फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं? 2। तो 2 फ्लिप फ्लॉप का मतलब है 2 raised to power 2, दैट इज 4 वैल्यूज, मतलब ये 4 स्टेजेस तक जा सकते हैं, 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, क्योंकि 4 का मतलब है हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0-3, और 0-3 का मतलब है 0-0 से 0-1, 1-0, 1-1। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0-0 पे गया, 1-1 पे गया, 1-0 पे गया, लेकिन कौन सी स्टेज नहीं आ रही? 0-1 स्टेज इसमें नहीं आ रही। तो कई बार इस तरीके से ही पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेज है जो इसमें नहीं आ रही है, कौन सी वैल्यू ये जनरेट नहीं कर रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट द, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार मिलेंगे, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाओ। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर्स। थैंक यू।